हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग को रिव्यू करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन जो है छोटे बच्चों के टॉय का। तो यहाँ पे क्या होता है कि टॉयज जो होते हैं वो एज वाइज जो है डिफरेंट होते जाते हैं। जिस तरीके से जो है बच्चे का माइंड डेवलप होता जाता है, उसकी बॉडी स्टेमिना जो है डेवलप होती जाती है, तो धीरे धीरे उसके टॉयज जो होते हैं वो भी चेंज होते जाते हैं। तो अर्ली एज में जो है जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस टाइम पे जो है आवाज़ करने वाले और इस तरीके के जो टॉयज़ होते हैं वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। जैसे कि ये है, तो ये जो है इसको चूचू बोलते हैं, इसमें से इस तरीके की आवाज़ आती है। तो इसके अंदर जो है अभी जो है ये वाला जो मतलब इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आती है। इसमें वेजिटेबल्स आते हैं, इसमें डायनासोर्स आते हैं, इसमें फ्रूट्स आते हैं, इसमें जो है अलग अलग टाइप के कार्टून कैरेक्टर्स आते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये जो है सी वर्ल्ड जो है मतलब दरियाई जीव जो होते हैं उसके रिलेटेड ये पूरा है। तो अलग अलग इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। तो इसके अंदर जो है 6 अलग अलग चूचू है। तो कई जगह आपको ये अलग से भी मिल जाएंगे और कुछ स्टोर वाले जो है ये पूरा पैक ही बेचते हैं, तो उसमें आपको ये डिफरेंस जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसकी कॉस्ट जो है रिटेल में 190 रुपये है। ये आपको ऑनलाइन भी अमेजोन पर भी मिल जाएगा और इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप अलग से जाओगे तो 35 रुपीज़ के आसपास ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा इसका पैकेजिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे चाइना बेस्ड प्रोडक्ट है नो डाउट, बट अभी इंडिया में इस तरीके की क्वालिटी की जो है चीज़ें बन नहीं रही है अभी। तो चाइना का जितना सामान जो है इंडिया के अंदर है उतना सामान ही मे बी है। और फ्यूचर में आपने अभी सुना ही होगा कि अभी इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया मिसाइल्स, मेड इन इंडिया सभी पार्ट्स जो है आर्मी में यूज़ होते हैं वॉर के लिए, गन के पार्ट्स, मतलब हवाई जहाज़, मतलब फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, बोफर्स तोप जैसी तोप जो है सब इंडिया में ही बनाने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया में। एक उसमें जॉब भी बढ़ सकती है उसके रीज़न से। तो सभी चीज़ें इंडिया में अगर प्रोड्यूस होने लगी तो बहुत ही सारी जो है मतलब ये जो 6-7 महीने या तो 1 साल का जो बैकलॉग लगा है सभी लोगों को, वो एकदम से रिकवर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इंडिया बेस्ड प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड जो है मार्केट में बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि चाइना को बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है बैन करना शुरू कर दिया है। तो मतलब इंडिया को ही नहीं, इंडिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया सबको जो है फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये खाली एक नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता था। तो ये चूचू करके टॉय है, इससे जो है छोटे बच्चे जो है वो खेलते हैं, साथ ही साथ इस तरीके के रेटल्स होते हैं उससे भी बच्चे खेलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके के सॉफ्ट बॉल्स आते हैं, उससे भी छोटी एज में जो बच्चे होते हैं जो चलना नहीं सीखे होते उस टाइम पर इससे ही खेलते हैं। और इसको सुन के जो है काफ़ी बच्चे जो है जो रोते हुए बच्चे जो है उसको आप हंसा सकते हैं। तो इस तरीके के गिफ्ट्स जो है आप 3-4 साल 1-2 साल के बच्चों को जो है आप गिफ्ट में दे सकते हैं। तो ओके, उसके अलावा जो है इसकी होलसेल प्राइस क्या है उसको भी मैं रिवील करने वाला हूँ। तो वो कब रिवील करूँगा, जब ये वीडियो पे 500 लाइक्स या तो जो है 100 कमेंट्स जो आ जाएंगे तब जो है मैं इसकी होलसेल प्राइस को ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 10,000 सब्सक्राइबर्स, तो मैं सभी प्रोडक्ट्स के होलसेल प्राइस जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो है हाउसवाइफ्स जो है उसको जो है या तो फिर 10वीं 12वीं के बच्चे जो होते हैं जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते हैं और कुछ ना कुछ बिजनेस जो है स्टार्ट करना चाहते हैं डिप्लोमा करके या तो फिर बीकॉम बीए करके, बहुत सारे बच्चे जो यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो सेटल हो जाए, कोई बिजनेस स्टार्ट करें, तो उनको अगर स्टेशनरी बिजनेस या तो फिर गिफ्ट आर्टिकल शॉप या तो फिर जेरोक्स मशीन लगाना, जेरोक्स लेमिनेशन बुक बाइंडिंग की शॉप होती है, CSC सेंटर स्टार्ट करना या तो फिर टॉय शॉप जो है उसको स्टार्ट करना, तो उसके लिए मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। अगर आपको शॉप लेके बेचना है या तो फिर घर से बेचना है, ऑनलाइन बेचना है, किस तरीके से कहाँ से क्या खरीदना होता है, किस पे कितना मार्जिन रहता है, सब चीज़ों को जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इस तरीके के टॉयज़ के अनबॉक्सिंग के वीडियोज़ जो है मैं लाता रहूँगा यहाँ पे। एक्चुअल में मैं इसको खोल के नहीं बता रहा हूँ, बट ये ट्रांसपेरेंट है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं, इसमें और कुछ है नहीं। मटेरियल इसका जो है काफ़ी अच्छा और हैवी क्वालिटी का था, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। और मतलब यही चीज़ है कि एक्चुअली इसको सेल करना है, इसको खोल के बताऊंगा तो फिर वो सेल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं अनबॉक्सिंग अभी कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।